हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप अगर अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब गाइस आपको भी ये इशू होगा कि जो आउटपुट में है वो एक चीज़ मेरा रन नहीं हो रहा प्रोग्राम। मतलब जैसे कि समझे गाइस, आपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है तो इसमें समझे गाइस आपने एक पाइथन इंस्टॉल कर लिया। समझे गाइस यहाँ पे मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पाइथन इसमें इंस्टॉल कर लिया, लेकिन गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और आप ज़रूर इसी इशू के लिए आए यहाँ पे वीडियो में कि मैं यहाँ पे समझे देखिए आउटपुट में समझे मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ लेकिन कुछ मुझे ऐसा बता रहा है, ये देखिए कैनॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर। तो गाइस इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यार मैंने इतना इंस्टॉल किया, ये हुआ है मेरे साथ, मतलब ये एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं ऐसा मुझे बता रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में, मतलब ये वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो मतलब यूज़र का इनपुट कैसे ले, मतलब पूरा समझे ना गाइस कि टोटल आप कैसे रन कर सकते हो पाइथन को इन विजुअल स्टूडियो कोड, आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा था आपके लिए, तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम बता रहा है। तो मैं आपसे क्या करूँगा, पहले तो इसको पूरा कैंसिल कर लूँगा, उसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए सेटिंग ले, समझे आपने पूरा इंस्टॉल कर लिया। और अगर दोस्तों आपको इंस्टॉल करने नहीं आता पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मतलब मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो निकालूँ, तो गाइज़ मैं पक्का ज़रूर निकालूंगा उसके ऊपर वीडियो। तो चलिए गाइज़ फिलहाल के लिए तो हम ये देखते हैं कि इसका जो इशू है यहाँ पे, जो कैनॉट रीड इन रीड ओनली मोड ऐसा बता रहा था, तो उसका क्या किया जाए। तो आपको जाना है गाइज़ यहाँ पे फाइल्स में, उसे ध्यान से देखिए ये सेटिंग को। फाइल्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रीफरेंस में, प्रीफरेंस में जाके सेटिंग में आपको क्लिक करना है, ये देखिए सेटिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड रन, कोड रन पे क्लिक करना है। एक्चुअली गाइस मुझे भी ना, जब मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि यार क्या करूँ क्या करूँ। तो गाइस इसका भी मैंने पूरा ये सेटिंग्स ही ढूंढा कि कहाँ मिलेगा मुझे कहाँ नहीं। तो गाइस ये देखिए आपको क्या करना है, कोड रन टाइप करना है और नीचे नीचे आना है, देखिए स्लोली स्लोली नीचे आना है। हाँ तो गाइस आने के बाद देखिए ये वाला देखिए सेटिंग कोड रनर रन इन टर्मिनल। और गाइस ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, मैं जब नॉर्मल जब प्रोग्राम लिख रहा था तो मुझे देखिए आउटपुट में आ रहा था, तो अब देखना अब सेटिंग में यहाँ पे करूँगा, देखिए वेदर टू रन कोड इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए गाइस थोड़ा यहाँ पे लोड हो रहा है, इसको थोड़ा सा लोड होने देना है, कुछ सेकंड के लिए लोड होगा ये। हाँ तो लोड होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से ना पूरा क्लोज़ करना है आपको, याद रखें क्लोज़ करके देखिए, मैं समझिए थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये देखिए मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। और गाइस जब आप ये सेटिंग करोगे तो थोड़ा सा ना आपका टाइम लेगा गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए गाइस पहले मेरा विंडो पूरा ओपन हो रहा था, अभी थोड़ा कुछ ऐसे ओपन हो रहा है। तो गाइस देखिए आप थोड़ा सा आपको टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे वो सेटिंग इंटरनली कर रहा है अभी। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो मैं उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दूंगा और इसको यहाँ से कैंसिल कर लूँगा। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि वही जो फाइल है जैसे कि मैं उसको ओपन कर रहा था, तो मैं उसी को ओपन करके आपको रन करके बताऊँगा कि होगा कि यही नहीं मतलब। तो ये देखिए मैं यहाँ पे गया untitled.py ओपन। हाँ तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद जाके आप देखना गाइस यहाँ पे देखिए पहले आउटपुट में था, अब देखिए कहाँ आएगा। तो मैं यहाँ से जाके इसको रन करूँगा, तो गाइस यहाँ पे देखिए देखिए पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग। जब मैंने इसको रन किया तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखिए आउटपुट में अब कहाँ आएगा। तो गाइस ये कॉमन सा है, वो आपको पता होगा क्योंकि गाइस विजुअल स्टूडियो कोड है वो थोड़ा हैवी होता है नॉर्मल जो भी एडिटर्स होते हैं। तो गाइस लेकिन आप कैसा ना गाइस ये इंटरनली प्रोवाइड हुआ है तो मैं भी इसे यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसे यूज़ कर ली। और देखिए गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहले आउटपुट में आ रहा था फिर अभी टर्मिनल में आएगा। तो गाइस स्टार्टिंग में पक्का ऐसा प्रॉब्लम होता ही है, मेरे साथ तो ऐसी बहुत बार हुआ है गाइस, मैंने इसको बहुत बार ऐसे ट्राई किया, तो आपके साथ भी ऐसी होगा। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने टाइप किया और ये देखिए अभी आउटपुट आएगा। सॉरी गाइस शायद मैंने कुछ इसमें गलती कर दिया, मैं इसको वापस रन करता हूँ। सॉरी सॉरी गाइस मैं एक्चुअली मैंने गाइस यहाँ पे इंट इनपुट लिखा ना तो मुझे नंबर देना है। हाँ तो मैं 34 दूंगा और ये देखिए गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 34। तो गाइस ऐसा सब कोड गाइस, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इतना ही बताया, आप कोई भी कोड लो एकदम बड़े से बड़ा कोड वो भी रन हो जाएगा गाइस। तो गाइस ये देखिए जैसे कि आपका ये जो प्रॉब्लम था
वो एकदम इजीली सॉल्व हो चुका है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाइस साथ में ये भी बताएं कि मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊं कि नहीं आपको, मतलब कैसे करते क्या नहीं, तो मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो निकालूंगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए तो, और गाइस प्लीज़ इसे शेयर भी करें, शायद किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही में गाइस क्योंकि मैं आपको सिर्फ यही नहीं, साथ में हैकिंग की और ऐसे बहुत सारे मतलब टिप्स और ट्रिक्स होते हैं वो आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।